अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से साहिर खान ट्रेवल स्टोरी है, जिसमें मैं मुख्तलिफ वीडियोस डालता हूँ और अपलोड करता हूँ, और वो वीडियो मेरे ट्रेवल के बारे में होती है, कुकिंग के बारे में। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चने छोले, जो सुबह के नाश्ते में खाए जाते हैं। तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगा इसका बड़ा सिंपल तरीका है। हमारे पास छोले हैं, चने, और इसको हमने बॉयल कर लिए हैं, बॉयल भी किए हैं, इसको पानी में भी रखा है भिगो के 1 से 2 घंटे, और उसके साथ फ्राई प्याज ली है हमने, ग्रीन चिली ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट ली है, टमाटर लिए हैं और साबित लाल मिर्च। ये सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे इसमें, ये इसमें अब हम टमाटर डालेंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह से जो है हम इसमें स्मैश करेंगे। अच्छा, टमाटर को हम इसमें कोई 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम जैसी आंच पर रखेंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि हमें टमाटर प्यूरी टाइप का चाहिए। हमारे टमाटर में पानी छोड़ दिया है, इसे मज़ीद गलने तक पकाएंगे। टमाटर हमारे गलने वाले हैं, बस अब इसे जो लकड़ी की चम्मच है उससे हम इसे मज़ीद मैश करेंगे। टमाटर के छिलके मैंने उतार दिए हैं, और इस चम्मच की मदद से जो है मज़ीद मैश करेंगे। हमारे टमाटर स्मैश हो गए हैं, अब इसमें थोड़ी सी साबित काली मिर्च में डाल रहा हूँ, उसके साथ पुदीना और ग्रीन चिली हरी मिर्चें जो हैं वो डाल रहा हूँ इसमें। अच्छा, मेरे पास जो लाल मिर्च है ये साबित में है, इसे हम तोड़ के डालेंगे, ये खुद स्मैश हो जाएगी इसमें। आधी चम्मच हम हल्दी डालेंगे इसमें, 1 चम्मच भरकर हम इसमें गरम मसाला जो होता है पिसा हुआ। अच्छा, ये छोटी सी स्टिक दार चीनी की मैं डाल रहा हूँ सिर्फ जायके के लिए। 2 चम्मच ज़ीरा हम डालेंगे। अच्छा, पिसा हुआ ज़ीरा जो है ये हम डालेंगे 2 चम्मच। तो ये साबित इलायची 2 दाने में जायके के लिए डाल रहा हूँ इसमें। अब हम इसमें ये डालेंगे छोले, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। दो चम्मच में नमक डाल रहा हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से डालें। ये काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे हम। ये थोड़ा सा धनिया, क्योंकि ये मेरे पास पेस्ट में पड़ा था। ये फ्राई प्याज डालेंगे यहाँ आकर इसमें। हमारे चने छोले जो है तकरीबन रेडी हैं। मैंने इसमें 2 कप पानी के भी डाल दिए थे, तो अब इसे दम पे रख रहा हूँ हल्की आंच पे, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है।